वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 1 मार्च और 1 मार्च की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर PDF लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो की PDF को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो की लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, बायो एशिया 2019 संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है हैदराबाद, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो देखिए 2019 एशिया के सबसे बड़े जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान मंच बायो एशिया का 16वां संस्करण हाल ही में हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन तेलंगाना की राज्यपाल ESL नरसिम्हन द्वारा किया गया। और इस सम्मेलन का जो विषय था वो था लाइफ साइंसेस 4.0 डिसरप्ट द डिस्ट्रप्शन। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक रिपोर्ट भी जारी की गई और इस रिपोर्ट में भारत में स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र पर 4थी औद्योगिक क्रांति यानी कि औद्योगिक 4.0 के विघटनकारी प्रभाव पर भी चर्चा की गई है। ठीक है, तो आपका ये 1st क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है 28 फरवरी, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को पूरी भारत में मनाया जाता है और ये प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि CV रमन की याद में मनाया जाता है। उन्होंने सन 1928 में इस दिन रमन प्रभाव की खोज की थी और सर CV रमन को उनकी खोज के लिए सन 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, और इस खोज के सम्मान में और वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी सन 1987 को पहली बार मनाया गया था। और इस वर्ष की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जो विषय है, जो थीम है, वो आपको पता होना चाहिए। तो इस वर्ष की जो थीम है वो है साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इस वर्ष की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जो थीम है वो है साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस। राइट, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, किस मंत्रालय द्वारा एविएशन कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन किया गया है। जिसका आंसर होगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फ्लाइंग फॉर ऑल विषय पर एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया है जिसमें उद्योग के नेताओं और विनियामकों सहित 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र में मुद्दों और अवसरों पर विचार विमर्श किया है। और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने यह भी कहा है कि कॉन्क्लेव भारतीय विमानन के भविष्य के बारे में था जो उद्योग जगत के नेताओं, सरकार और नियामकों के साथ साथ स्वस्थापित करने के लिए विजन 2040 का एहसास करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो आपका 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, किस बैंक ने LIC के हेमंत भार्गव को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है IDBI बैंक, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो IDBI बैंक ने हाल ही में LIC के हेमंत भार्गव को गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो इस समय पर बैंक ने यह भी कहा कि भार्गव को 3 वर्ष या जब तक वह LIC के पद पर बने रहते हैं तब तक के लिए उनको नियुक्त किया गया है और जीवन बीमाकर्ता अब IDBI बैंक में 51% हिस्सेदारी के साथ बहुमत शेयरधारक भी है। IDBI बैंक की यहाँ पर बात की गई तो मैं आपको बता दूं, IDBI बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में और इसके MD और CEO हैं राकेश शर्मा। ठीक है, तो आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया। तो देखिए यार जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन ए सही होगा। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए हैं, और ये राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि NSS द्वारा युवा कार्य और खेल मंत्रालय के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS के सहयोग से आयोजित किया गया था। और इसमें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें विजेता के रूप में पहला स्थान महाराष्ट्र से श्वेता उमरे ने जीता है, दूसरा स्थान कर्नाटक की MS अंजनाक्षी ने जीता है, और तीसरा स्थान बिहार से ममता कुमारी ने जीता है। और इस इवेंट में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया एक ऐप खेलो इंडिया ऐप भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 कार्यक्रम का उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भारत इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है 47 यानी कि 47वां स्थान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि एक इंटरनेट की एक रैंकिंग बनाई गई जिसमें भारत को 47वां स्थान मिला है। तो भारत समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2019 में 47वें स्थान पर है, जिसे इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा फेसबुक के लिए तैयार किया गया है। और इस सूचकांक में 100 देशों को शामिल किया गया था जो दुनिया की आबादी का लगभग 94% यानी कि 94% आबादी का हिस्सा रखते हैं, और साथ ही साथ वैश्विक GDP का उनके पास 96% है। और इस सूचकांक में अगर हम बात करें पहले स्थान पर कौन है, ये भी पूछा जा सकता है, तो इस सूचकांक में पहले स्थान पर स्वीडन है, जबकि दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। और भारत ने पिछले वर्ष की रैंक को बरकरार रखा है, यानी कि इस वर्ष भी भारत की जो रैंकिंग है वो 47वीं रही है, तो ऑप्शन डी सही होगा। मैं आपको फेसबुक के बारे में बताना चाहूँगा, फेसबुक के जो वर्तमान में CEO हैं वो है मार्क जुकरबर्ग, और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका देश में है। ठीक है, तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, किस मंत्रालय ने हाल ही में श्रेयस योजना शुरू की है? तो देखिए, यहाँ पर चार ऑप्शन है, इनमें जो राइट आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी सही होगा। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नए स्नातकों को उद्योग शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन ऑपरेटेंसिंग एंड स्किल यानी कि श्रेयस योजना लॉन्च की है। और ये योजना एक कार्यक्रम बास्केट है जिसमें HRD, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय सहित 3 केंद्रीय मंत्रालयों की पहल इसमें शामिल की गई है। ठीक है, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य ने बंगलार शिक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी सही हुआ। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने एक वेब पोर्टल बंगलार शिक्षा काली में उद्घाटन किया है, और ये राज्य संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों पर वास्तविक समय डेटा प्रदान करने के लिए निर्धारित है। और मंत्री ने कहा कि ये जो पोर्टल है यानी कि banglarshiksha.gov.in ये 2 महीने के समय के अंदर चालू हो जाएगा। और इसमें देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इस पोर्टल से 1.5 करोड़ छात्रों, 5 लाख शिक्षकों और 1 लाख स्कूलों की वास्तविक समय की डेटा को इसमें संग्रहित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, पश्चिम बंगाल की बात की गई तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहाँ की CM है ममता बनर्जी, गवर्नर है केसरीनाथ त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल की लोकसभा से 42 सीटें हैं, राज्यसभा से 16 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 294 सीटें आती हैं। ठीक है, और इस पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर एक हवाई अड्डा है जिसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा अभी हाल ही में नाम रखा गया, जिसका पहले नाम था दमदम हवाई अड्डा। ठीक है, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि NBT, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। NBT का फुल फॉर्म होता है नेशनल बुक ट्रस्ट, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है गोविंद प्रसाद शर्मा, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT ने शिक्षाविद और लेखक गोविंद प्रकाश शर्मा को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, और श्री शर्मा ने सरकारी PG कॉलेज मध्य प्रदेश में प्रधान अध्यापक के रूप में कार्य किया है, और शर्मा ने मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है, और वो 6 से अधिक अकादमिक पुस्तकों और कई शोध पत्रों के लेखक हैं, और उन्होंने कुल संग्रहित कार्यों को संपादित भी किया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि NBT भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रेलवे का एक नया जोन दक्षिण तट रेलवे SUR
किसने घोषित किया है। यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी सही होगा। तो रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार दक्षिणी तट रेलवे भारतीय रेलवे का एक नया जोन होगा। और मैं आपको बता दूं देश के इस नए 18वें जोन का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में होगा, ठीक है। और इस नए जोन में मौजूदा गुटकल, गुंटूर, विजयवाड़ा डिवीजन शामिल होंगे जो वर्तमान में दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत आती है। और दक्षिण मध्य रेलवे में अब हैदराबाद, सिकंदराबाद और नांदेड़ डिवीजन शामिल हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि रेलवे के आंतरिक आकलन के अनुसार इस नए जोन के लिए अवसंरचना निर्माण की लागत 205 करोड़ रुपए से अधिक है, ठीक है। तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस राज्य में सामान्य वर्ग के कमजोर वर्ग के लिए 10% कोटा अनुमोदित किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है बिहार, ऑप्शन सी सही होगा। तो बिहार सरकार ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटा प्रदान करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। और ये आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी वार्षिक कमाई 8 लाख रुपए से कम है और जिनके पास 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि है। और सामान्य श्रेणी में कमजोर वर्गों के लिए कोटा आवंटन से अधिक रोजगार देने में मदद मिलेगी। यहाँ पर देखिए बिहार की बात की गई, तो मैं आपको बता दूँ बिहार की राजधानी है वो है पटना। और इस राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और इसका पुनर्गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था जब यहाँ से झारखंड राज्य अलग हुआ था। और इस राज्य के सीएम हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। और यहाँ की लोकसभा से 40 सीटें हैं, राज्यसभा से कुल 16 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 243 सीटें आती हैं, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन क्विज के रूप में मैं आपको पूछना चाहूँगा कि सबसे पहला ऐसा कौन सा राज्य था जिसने सामान्य वर्ग के लिए 10% कोटा का विधेयक पारित किया। अगर आपने सभी करंट अफेयर की वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य की कैबिनेट ने नई राज्य फिल्म नीति 2019 को मंजूरी प्रदान किया है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इन्हें जो राइट आंसर है ओडिशा, ऑप्शन बी सही होगा। तो ओडिशा फिल्मों को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में फिल्मों के निर्माण के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल ने ओडिशा राज्य फिल्म नीति 2019 के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है। और ये नीति राज्य में गुणवत्तापूर्ण ओडिया फिल्मों को बढ़ावा देगी और फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देगी। फिल्म शूटिंग के लिए एक गंतव्य के रूप में ओडिशा की स्थापना करेगी और राज्य में स्क्रीन घनत्व में सुधार करेगी। यहाँ पर देखिए ओडिशा की बात की गई, तो मैं आपको बता दूँ ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ की सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, यहाँ की लोकसभा से 21 सीटें हैं, राज्यसभा से 10 सीटें हैं, विधानसभा में 147 सीटें आती हैं, ठीक है। और इस राज्य का प्राचीन नाम है कलिंग और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। इसी राज्य में हीराकुंड बांध है, चिल्का झील है, साथ ही साथ इसका शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है, राइट। तो आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की कुछ का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था स्वच्छता उत्कृष्टता पुरस्कारों में किस नगर निगम ने पहला स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है रायगढ़, ऑप्शन ए सही होगा। और आज की कुछ का सवाल है, किस राज्य की विधानसभा ने संस्कृत भाषा को उस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा के लिए राजभाषा संशोधन विधेयक 2019 पारित किया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है इस वीडियो के बीच में ही कि 10% आरक्षण लागू करने के लिए कौन सा ऐसा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है जिसने सामान्य वर्ग के लिए 10% कोटा घोषित किया है। तो उसका भी आप आंसर दे सकते हैं। अगर आपने करंट अफेयर को बहुत ही ध्यान से पढ़ा है तो आप उसका भी आंसर दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीएससी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए एंड स्क्रीन पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन का पार्ट 3 वीडियो पड़ा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।